हेलो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल फॉर डूइंग ग्रेट, ऑल फॉर फाइन एंड सेफ। हेलो हाय गाइस। हाँ, अब ऑडिबल है। चलो ऑडिबल है, ऑडिबल है। जय हिंद, जय हिंद। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेश। वी आर ऑलरेडी 6 मिनट्स लेट। वी मतलब मैं लेट हुई तो तुम भी लेट हो गए, मतलब तुम तो टाइम पे आए होगे ना, इधर उधर मस्ती मार रहे होगे। चलो, द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। कैसे हो सब? बढ़िया। हाउ आर यू ऑल? जितने मैं सब कुछ लिखती हूँ तुम इतने बता दो अपना हाल चाल। द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। 6 PM पे ये एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं बढ़िया से, ठीक है, और प्लस हम चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। और इसी बात पर मुझे याद है कल, ओहो कल का न्यूज़पेपर, कल का न्यूज़पेपर में एक वो टेबल पड़ा है, वो भी करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फो का PDF, ठीक है, और प्लस तुम्हें मिल जाती है न्यूज़पेपर भी मार्क्ड, ठीक है ना। ये सारा हम यहाँ पर भी अवेलेबल करवाते हैं। प्लस अगर आप ये सब चाहते हैं कि अवेलेबल हो, जिसको आप पर्सनली असेस कर सके, तो ₹100 पर मंथ में आप असेस कर सकते हैं। आपको जाना होगा www.logiri.in पर, ठीक है जी, यहाँ पे जाना होगा। एंड उसके बाद आपका और भी जो सामान है जो हमारा आप बाय कर सकते हैं, MNCET 5 ईयर और 3 ईयर के मॉक टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। आज मैंने मॉक टेस्ट 6 डाल दिया है। मॉक टेस्ट 6 गया या 7? 6 गया है MNCET 5 ईयर का, और MNCET 3 ईयर का भी सेकेंड मॉक आ चला जाएगा। हम वर्किंग ऑन इट। ₹2000 में आपको मॉक्स मिल रहे हैं। अगर 3 ईयर का 2500 का शो रहेगा, लॉगरी 500 का कूपन कोड लगाओ और 2000 में मिल जाएगा वो। करंट अफेयर्स मंथली प्रैक्टिस सेशन अभी जनवरी के अवेलेबल है ₹200 पर मंथ में, और ₹100 पर मंथ में मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, चलो, ठीक है। रमदान मुबारक हो, रमदान मुबारक। यार कोई मुझे बुला लो, मुझे सेवियाँ खानी है। मैं तुम्हें बार बार बताती हूँ, कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर जाते होते थे हम, बहुत खाना खाते थे, ठीक है। अब कॉलेज के फ्रेंड थे, अब तो कनेक्शन ही टूट गया। चलो, राहुल गेट्स 2 ईयर जेल टर्म इन डेफेमेशन केस, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर राहुल गांधी डेफेमेशन केस, ठीक है। अब राहुल गांधी कौन है? कांग्रेस के नेता, पॉलिटिशियन, ठीक है। अब यहाँ पे डेफेमेशन का नंबर वन हम लिखेंगे, डेफेमेशन। डेफेमेशन क्या होती है? किसी की रेपुटेशन ख़राब करना, किसी की इज्जत के बारे में कुछ गलत बोलना। और ये डेफेमेशन कैसे हो सकती है? बहुत तरीक़ों से एक आप किसी इंसान को, ठीक है, हम डेफेमेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? डेफेमेशन द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, ठीक है। अब जिसकी बुरी है वो तो क्या ही होगा, गुड रेपुटेशन, एक इज्जतदार इंसान की जब आप धज्जियाँ उड़ाते हो तो उसको क्या कहते हैं? डेफेमेशन, ठीक है ना। डेफेमेशन ये वर्ड्स के थ्रू भी हो सकती है, मतलब बोलकर, ठीक है, लिखकर, साइंस के थ्रू, पेंटिंग कर ड्रॉ कर भी आप किसी की बेइज्जती करते हो तो वो डेफेमेशन है, ठीक है ना। तो डेफेमेशन की क्या है? एक्शन ऑफ डैमेजिंग गुड रेप्यूटेशन ऑफ समवन, ठीक है, समझ में आ गया। और ये कैसे हो सकती है भैया? तुम बोल के कर सकते हो, वर्ड से, ठीक है, राइटिंग, ठीक है, स्पोकन, ठीक है, विजिबल साइंस से कर सकते हो, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसी भी तरह, किसी ने कोई ड्राइंग बना दी जिसमें पता चल रहा है, मतलब पूरा क्लियर कट पता चल रहा है बेइज्जती हो रही है किसी की, तो वो गलत है, ठीक है, डेफेमेशन है। अब यहाँ पर दो सेक्शंस जो हैं जिनके बारे में हर किसी को बताना चाहिए, एक तो है सेक्शन 499 ऑफ IPC, मतलब इंडियन पीनल कोड, ठीक है। ये क्या करता है? ये बताता है कि भाई डिफेमेशन क्या है, ठीक है ना, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। ये क्या बताता है, जिसको शॉर्ट में IPC कहते हैं, ये क्या बताता है? डिफेमेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। और इसका जो अगला सेक्शन है, सेक्शन 500 ऑफ IPC, वो क्या बताता है? सज़ा,
ठीक है, पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन, ठीक है, अगर कोई डेफेमेशन प्रूव हो जाती है किसी के अगेंस्ट तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 years की सज़ा उसको मिल सकती है, ठीक है, कितनी, हुएवर डिफेम्स अनदर शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब चक्की नहीं पीसनी पड़ेगी, जेल दे बैठना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 2 years मैक्सिमम, 2 years मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, वो हो सकता है, मतलब 2 years से ज़्यादा जेल की सज़ा नहीं मिल सकती, ठीक है ना। अब राहुल गांधी को डिफेमेशन का केस प्रूव हो गया है, क्या हो गया, डिफेमेशन प्रूव हो गई, किसकी बेइज्जती करी, देखे किसकी बेइज्जती करी। अब यहाँ पर सूरत कोर्ट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, सूरत कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात की एक कोर्ट ने कन्विक्शन करी है, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, प्रूवन गिल्टी, कि प्रूव हो गया कि हाँ भाई ये ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। फॉर्मर कांग्रेस चीफ राहुल गांधी इन अ क्रिमिनल डेफेमेशन केस एंड अवॉर्डेड हिम अ 2 year जेल टर्म ओवर हिज व्हाई ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम कमेंट, ठीक है, तो ये कहीं इलेक्शंस में वोट मांगने गए थे कि मुझे वोट दे दो, अब वोट मांगते मांगते ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गए, तो इन्होंने बोल दिया जिस जिस के नाम के पीछे मोदी है वो करप्टेड है, मतलब पैसे खाते हैं, तो उन्होंने एग्जांपल दी ललित मोदी, ये मोदी, मतलब पीएम का नाम भी बीच में डाल दिया होगा, ऐसा सा एग्जाम्पल दे दूँ, मेरे पीछे मत पड़ जाना भाई, मैं तो समझा रही हूँ, ठीक है, तो ये बोला, तो किसी ने केस फाइल कर दिया। अब यहाँ पे हम राहुल गांधी का सारा सिस्टम लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें डेफेमेशन डिफाइन कर दिया, बता दिया सारा, अब हम राहुल गांधी का सिस्टम लिखेंगे कि राहुल गांधी के केस में क्या हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे राहुल गांधी दोबारा से लिख लेते हैं, तो इनको कौन सी कोर्ट ने दी है, सूरत, ठीक है, दोबारा से वन लिख रही हूँ, सूरत मतलब सूरत कोर्ट, सूरत कोर्ट ने ठीक है क्रिमिनल डेफेमेशन के केस के अंदर इनको, ठीक है, कन्विक्शन मतलब प्रूवन गिल्टी, ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, 2 years की इम्प्रिजनमेंट दे दी है, 2 years की इम्प्रिजनमेंट दे दी है, चलो जी जेल जाओ कहते तुम जाओ सबसे पहले जेल, ठीक है ना, यही हुआ ना अभी, 2 years जेल टर्म, चलो 2 years जेल टर्म लिख लेते, हो गया। अब यहाँ पर क्या है, क्यों, वाई, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई के अंदर 2019 के अंदर, ठीक है, कैंपेनिंग, मिस्टर गांधी हैड अलेजली मेड द रिमार्क्स ड्यूरिंग कैंपेनिंग फॉर 2019 पार्लियामेंट्री पोल्स, द क्रिमिनल डेफेमेशन केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हिम बाय बीजेपी एमएलए पुरनेश मोदी हु वॉज अर्लियर प्रेजिडेंट ऑफ बीजेपी यूनिट ऑफ सूरत, इन हिज कंप्लेंट मिस्टर परनेश मोदी अलेज दैट मिस्टर गांधी वाइल एड्रेसिंग अ पोल रैली इन 2019 इन कर्नाटका डिफेम्ड द इंटायर मोदी कम्युनिटी विद हिज रिमार्क हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम, ठीक है, तो कहाँ पे गए थे 2019 में कर्नाटका की इलेक्शन रैली में, क्या बोल दिया, हाँ रैली के अंदर क्या बोला, हाउ कम ऑल थीव्स हैव मोदी एज कॉमन सरनेम, अरे यार ये गलत बात है, आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को नहीं बदनाम कर सकते, हर कम्युनिटी में बुरे लोग हैं और हर कम्युनिटी में अच्छे लोग हैं, ठीक है ना, आप पूरा का पूरा कम्युनिटी को गलत नहीं बोल सकते, ये तो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी कम्युनिटी को, ठीक है, और आप इतने बड़े नेता हो, ठीक है, आपको बोला सब अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, वोटें लेने आए हो, क्यों बोल रहे हो गलत किसी को भी, चलो आगे फिफ्थ। अब यहाँ पर क्या होगा, अब तुम कहोगे इतनी टेंशन वाली बात क्यों है, क्यों पढ़ा रही हूँ उसको इतनी डिटेल में, क्योंकि अब इनको, अब ये एमपी है, एमपी क्या होता है, मेंबर पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, आज कर दिया गया है डिस्क्वालीफाई एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिस्क्वालीफाइड मतलब ही इज नो मोर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्यों, क्योंकि 2 साल की सज़ा सुना दी गई है। अब यहाँ पर 2013 के अंदर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया दैट अ लॉ मेकर स्टैंड्स इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड, लॉ मेकर मतलब एमपी एमएलए, ठीक है, लॉ मेकर कौन है हमारे, मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर स्टेट का होता है, ठीक है, और एमपी ये जो नरेंद्र मोदी और उनके सारे भाई बहन वहाँ पे बैठ कर डिस्कशन करते हैं वो हो गए, ठीक है, नाउ स्टैंड्स इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड ऑन अट्रैक्टिंग अ सेंटेंस ऑफ 2 years और मोर अनलेस अ कन्विक्शन इज स्टेड बाय द हायर कोर्ट। तो अब यहाँ पे हमारी लिली थॉमस जी की जजमेंट, ठीक है, तो लिली थॉमस
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. हर किसी को पता होना चाहिए कि ऐसी कोई जजमेंट है, ठीक है, चाहे लॉ का पेपर है चाहे नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कब आई? 2013 में आई. किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, आगे से मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को SC लिखूंगी, ठीक है, हर जगह नहीं लिखती सकती पूरा पूरा. क्या कहा? कौन फ़ोन कर रहा है मुझे? क्यों फ़ोन कर रहा है भाई? हाँ चलो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आवाज़ आ रही है? आ रही है. मतलब कहीं कोई इसलिए फ़ोन कर रहा है टीम में से कि भैया आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ. ठीक है, क्या कहा? लॉ मेकर, MP MLA, हम लॉ मेकर नहीं लिखेंगे, स्टैंड्स इमीडिएटली. क्या कहते हैं? इमीडिएटली डिसक्वालिफाइड ऑन अट्रैक्टिंग अ सेंटेंस ऑफ 2 years और मोर अनलेस. ठीक है, अनलेस. अब क्या है कि इमीडिएटली डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, अगर 2 साल की सज़ा या उससे ज़्यादा, 2 years या प्लस की बन जाती है, अनलेस हायर कोर्ट, द कन्विक्शन इज स्टेड बाय हायर कोर्ट, इज स्टेड बाय अ हायर कोर्ट. अब यहाँ पे अगर हाई कोर्ट या कोई हायर कोर्ट, अब जिसने भी जजमेंट दिया उसकी हायर कोर्ट जो है, अगर वो कह दे कि भैया कन्विक्शन जो है उस पर हम स्टे लगा देते हैं, तो बात बन सकती है. समझ में आ गया? नहीं किसी को यहाँ पे दिक्कत? ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. ठीक है, बता दो अगर कोई दिक्कत है पहली, उसके बाद नहीं कहना मुझे समझ नहीं आया. इसने समझने वाला जो था वो समझा दिया. आया या नहीं समझ में आया? क्वेश्चन पूछूं अब? बहुत बच्चे लिखते हैं, हमें MCQ क्वेश्चन पूछा करो. चलो मुझे बताओ, कितने साल की, अगर कितने साल की सज़ा अगर मिली है उसके बाद ही डिस्क्वालीफाई करता है. सुप्रीम कोर्ट ने कौन जजमेंट में, एक में बोला कि इतने साल की सज़ा होगी तो डिस्क्वालिफिकेशन पक्की है. कितने साल की? डैश ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स? चलो कमेंट में लिखो. द असेंबली ऑन थर्सडे री अडॉप्टेड द तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022. ठीक है ना, तमिलनाडु री अडॉप्टेड प्रोहिबिशन ऑनलाइन गेमिंग बिल. अब तमिलनाडु वाले क्या चाहते हैं? तमिलनाडु वालों की दिक्कत ये है कि भैया ऑनलाइन गेमिंग को प्रोहिबिशन मतलब बैन करना चाहते हैं. ठीक है, क्यों बैन करना चाहते हैं? तुम कहते हो क्यों हमारी ज़िंदगी में से खुशियाँ उजाड़ रहे हो. ठीक है, वो कहते हैं कि भैया देखो प्रॉब्लम ऐसा है कि लोग जो हैं क्या करते हैं, लोग पैसा लगाते रहते हैं, लुट जाते हैं. ठीक है, कई बच्चे होते हैं, बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं कि भाई किसी ने अपने माँ बाप के सारे पैसे ही लुटा दिए गेम के अंदर. तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही गलत चीज़ है, एडिक्शन भी हो रही है, कुछ भी है, तो इन्होंने बैन कर दिया. ठीक है, कुछ साल पहले भी बैन लगाया था, मद्रास हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था 2021 के अंदर. मद्रास हाईकोर्ट स्ट्राइक डाउन बैन. ठीक है, अब ये दोबारा लेकर आ रहे हैं. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोबारा ले, मद्रास हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था. अब देखते हैं आगे क्या होता है. ठीक है, हमें इतना पता चाहिए कौन कौन कर रहा है ये, तमिलनाडु. तमिलनाडु के CM कौन है? MK Stalin. ठीक है, अब तीसरी न्यूज़ देखो. आज ना टॉप न्यूज़ जो थी, मतलब स्टार्टिंग का पेपर मज़ेदार है. तीनों में से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं. पहले वाले में से तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, दूसरे वाले में से थोड़ा कम है क्योंकि बहुत कॉमन हो गया. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. इंडिया इंजेक्ट्स J&J's अटेम्प्ट टू एक्सटेंड पेटेंट ऑन TB ड्रग्स. पेटेंट क्या होता है? अब तुम कोई इन्वेंशन कर देते हो, कोई भी करोगे ही जिंदगी में कुछ बड़ा. ठीक है, तो इन्वेंशन कर देते हो कि क्या चीज़ कैसे होती है. अब जैसे यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस का इलाज निकाल दिया इस कंपनी ने, जॉनसन एंड जॉनसन ने. ठीक है, अब इसका जाके इन्होंने पेटेंट ले लिया. मतलब अगर हम नॉर्मल सिंपल भाषा में बोले, अपनी राइट ले ली इसके ऊपर कि कोई और इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ या फिर मेरी परमिशन से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. अगर कोई मेरे अलावा या मेरी परमिशन के बिना ये मैन्युफैक्चर करेगा तो मैं उसको कोर्ट में ले जाऊँगा और जो भी प्रॉफिट, जो भी पैसे वो कमाएगा वो मेरे होंगे. ऐसा सा होता है पेटेंट. ठीक है, मतलब कॉपीराइट ऑन इन्वेंशन. यस भारती राजपूत, हम वैसे कॉपीराइट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कॉपीराइट मेडिसिन पे, इन्वेंशन पे नहीं होता, वर्ड उसका पेटेंट बनता है.
ठीक है, अब इस पर कॉपीराइट होता है, जो बुक्स लिखी जाती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन पे कॉपीराइट होता है, ठीक है, टेक्निकल टर्म में अगर हम जाएं, बट सरल भाषा में, इजी में हम कॉपीराइट ऑन इन्वेंशन बोल सकते हैं. अब इन अ विक्ट्री फॉर पेशेंट्स फाइटिंग फॉर वाइडर असेस टू द क्रूशियल एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग बेडाक्विलिन, ठीक है, ये क्या है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है, तो पहला पॉइंट ये चेपेंगे. ठीक है, द इंडियन पेटेंट ऑफिस ऑन थर्सडे रिजेक्टेड US pharmaceutical giant Johnson & Johnson's attempt to extend its monopoly on manufacturing the drug in India beyond July 2023. अब मोनोपली का मतलब क्या होता है, अकेला इकलौता. मान लो YouTube पे सिर्फ मैं ही न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रही हूँ, ऐसा हो नहीं रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, बट वो क्या होगा, मोनोपली, अगर मैं ही कर रही हूँ, मतलब मैं तुम्हें कहूँ मेरे से पढ़ना पड़ेगा और तो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, वो मोनोपली. ठीक है, अब मोनोपली क्या होती है, भाई ऐसे पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा मोनोपली होती थी कि सिर्फ यही बना रहे हैं तो इनसे ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, आज के ज़माने में हर चीज़ का ऑप्शन है. ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, एजुकेटी इज़ द बेस्ट. ओके, चलो जे एन जे, अब यहाँ पे चेप लेते हैं. ठीक है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स, अब यहाँ पे हम हेडिंग क्या बनाई है इन्होंने, इंडिया रिजेक्ट्स जे एन जे अटेम्प्ट टू एक्सटेंड पेटेंट ऑन टीबी ड्रग्स. हाँ, इंडिया रिजेक्ट्स जे एन जेस अटेम्प्ट टू एक्सटेंड पेटेंट ऑन टीबी ड्रग्स. अब ड्रग्स क्या होते हैं, मेडिसन्स को भी ड्रग्स कहते हैं. ठीक है, तुम ये मत सोचना, अच्छा ड्रग्स, ओ वो वाले नहीं बेटा, वो वाले नहीं, मेडिसन. अब इसका नाम क्या है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस, एंटी ड्रग का नाम क्या है, बेडा क्यूलिन. ठीक है, याद हो जाएगा, हम कहते बेड़ा. ठीक है, बेड़ा उठाना मतलब कुछ काम, बेड़ा इसी को कहते हैं ना हिंदी में. ठीक है, अब US फार्मास्यूटिकल क्या होती है, वो कंपनी जो मेडिसिन बनाती है, फार्मास्यूटिकल जॉनसन एंड जॉनसन. भाई ये तो पाउडर वाली लग रही है मुझे, है ना, मतलब जिसका पाउडर हम सबके बम्पी पे लगाया मम्मी ने, जॉनसन एंड जॉनसन. ठीक है, अटेम्प्ट टू एक्सटेंड इट्स मोनोपोली. ठीक है ना, अब क्या है, नो मोनोपोली मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है ना, कुड नॉट एक्सटेंड पेटेंट बियॉन्ड जुलाई 2023. ठीक है, मतलब जुलाई 2023 तक अब यही मैन्युफैक्चर करेंगे और कोई नहीं कर सकता. बट उसके बाद जैसे ही जुलाई 2023 आएगा, वैसे ही जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स इसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे. नाउ व्हाट डज द टर्म जेनरिक मींस, जेनरिक मेडिसिंस भी होती है, इसका मतलब ये कि वो कंपनी जो है इसको सस्ते में बना देंगी. ठीक है ना, तो क्या है, कॉपी पेस्ट मारेंगी. ठीक है, निकालेंगी मेडिसिन, देखेंगी कौन सा सॉल्ट है, क्या है, कैसा है, बनाएंगे और सस्ते में मार्केट में ले आएंगी. वो सस्ती मेडिसिन को हम कहते हैं जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स जो है. अब अभी नहीं बना सकते क्योंकि पेटेंट है उसके पास. ठीक है, पर 2023 में, जुलाई 2023 के बाद बना पाएंगी. ठीक है, अभी ये $400 पर सिक्स मंथ ट्रीटमेंट दे रही है, अब इसके बाद ये बहुत ही सस्ता हो जाएगा. ठीक है ना, अब ये जो दवाई है, ये क्रूशल क्या है कि जब एक फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है ना, जिसको फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट सूट नहीं करता है, वो ये ड्रग ट्रीटमेंट लेता है. सिंस 2007 जे एन जे हैज बीन इंडल्जिंग इन एवरग्रीनिंग. ठीक है ना, सिंस 2007 एवरग्रीनिंग का मतलब, ठीक है, अब मान लो इन्होंने पहली बार ड्रग बनाया तब तो सही बनाया था, उसके बाद क्या करेंगे कि हमने ये सॉल्ट ऐड कर दिया, मतलब किया कुछ नहीं है, बस आई वॉश, मतलब बेवकूफ़ बना रहे थे कहीं ना कहीं. ठीक है, एवरग्रीनिंग क्या है, एवरग्रीनिंग है कि स्ट्रैटेजी टू एक्सटेंड पेटेंट्स. ठीक है ना, तो उसके अंदर कहते हैं हमने चेंज कर दिया, ये कर दिया, बट एक्चुअल में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होता. क्लियर हो गया, ड्रग का नाम क्यों यूज़ किया जाता है, उसको कब तक ये पेटेंट इसके पास रहेगा, कब से ये एवरग्रीनिंग कर रहा है, एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है ना, तो जे एन जे के ड्रग का नाम लिख दो अब कॉमेंट्स में. ठीक है, जल्दी से लिखो, जे एन जे के ड्रग का नाम लिख दो जल्दी. ठीक है, दिस वीक द इंटर कन्वेंशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC रिलीज द सिंथेसिस रिपोर्ट ऑफ इट्स सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट AR6 साइकिल. ठीक है, क्या आ गया, सिंथेसिस रिपोर्ट. अब वो कहते हैं यार सिंथेसिस रिपोर्ट है क्या, सिंथेसिस रिपोर्ट, ठीक है, क्या है, ड्रॉइंग टुगेदर की फाइंडिंग फ्रॉम इट्स सिक्स मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट्स. ठीक है, सिंथेसिस रिपोर्ट की जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी उसकी पिछली छः रिपोर्टों में से वो इन्होंने इकट्ठी करके दे दी है.
ठीक है ना, मतलब क्या है ये चीट बुक है, ठीक है, क्या है चीट बुक, कह सकते हैं इसको चीट बुक याद करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, द रिपोर्ट गेन्स एडेड लेजिटिमेसी एट इट समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स इज अप्रूव लाइन बाय गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है सिंथेसिस रिपोर्ट, ये सिंथेसिस रिपोर्ट इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लाइन बाय लाइन जो गवर्नमेंट जो कंट्रीज़ की पार्लियामेंट है, मतलब जैसे हमारी लोकसभा राज्यसभा होगी, वो सारी कंट्रीज़ ने जो मेम्बर्स हैं उन्होंने इसको अप्रूव किया है, ठीक है, बाय IPCC। अब IPCC की फुल फॉर्म मैंने तुम्हें इतनी बार लिखवा दी है कि दोबारा नहीं लिखवा रही हूँ मैं। यस, बेडा क्यूलिन, ठीक है ना, बेड पे क्यूलिन हो बेटा, पढ़ लो, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे सिंथेसिस रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले तो समरी की पॉइंट्स फ्रॉम लास्ट 6 रिपोर्ट्स, ठीक है, लास्ट 6 रिपोर्ट्स की समरी बना दी इन्होंने कि कोई पढ़ ले इसको। अब यहाँ पे द रिपोर्ट कन्फर्म्स दैट ह्यूमन एक्टिविटी इज अनइक्वोकली ड्राइविंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज विच हैज़ रीच अप्रॉक्सीमेटली 1.1 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स वाइल द रेट ऑफ एमिशंस ग्रोथ हैज स्लोड इन द पास्ट डेकेड। ह्यूमैनिटी इज एस्टिमेटेड टू बी ऑन 2.8 डिग्री सेल्सियस ट्रेजेक्ट्री बाय 2100, ठीक है। अब हमने पेरिस अग्रीमेंट किया था कल, किसको याद है, पेरिस अग्रीमेंट में हमने क्या कहा था, पेरिस अग्रीमेंट में कहा कि भैया 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस तक तो रोकना ही है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर 2100 तक हम टेम्परेचर रोक पाए तो बहुत बढ़िया होगा, हाँ या ना। अब वो कहता कि भैया हम पास डेकेड में हैज स्लो डाउन इज बट ह्यूमैनिटी इज एस्टिमेटेड बी ऑन, पर वो कहते कि जिस तरह से हमारी हरकतें हैं, ठीक है, वो 2.8 डिग्री तक हम बढ़ा लेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है ना। रिपोर्ट सेज, क्या कह रही है रिपोर्ट, ठीक है, ए पॉइंट बना ले, चलो रोमन में 1 बना लेते हैं, रोमन में 1, अरे यार मेरी पीठ पर क्या हो गया, ये खुजली होती रहती है, आज हम वो लेकर आएंगे ठंडा ठंडा डर्मी कूल लेकर आना पड़ेगा यार, 2-3 दिन से तंग हो रही हूँ मैं हर रोज़ क्लास लेते हुए। अब यहाँ पे क्या कह रही है, ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी इज एस्टिमेटेड टू टेम्परेचर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज 2.8 डिग्री सेल्सियस बाय 2100, ठीक है जी, अगर हमारी हरकतें सही नहीं हुई। IPCC रिपोर्ट टू ट्रैजेक्टरीज दैट कंस्ट्रेन ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस रादर देन 2 डिग्री, ठीक है, मॉडल्ड ग्लोबल पाथवेज सजेस्टेड दैट लिमिटिंग वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू बी रिड्यूस बाय 43% बाय 2030, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर कहते टारगेट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस अचीव करना है तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिड्यूस्ड बाय 43% बाय 2030, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें यहाँ से ना सिर्फ और सिर्फ क्रीम निकाल कर खिला रही हूँ, ठीक है यार, तुम लेट हो शेख अमन, तुम हर रोज़ लेट होते हो, बताओ क्यों, अरे भाई कहीं तुम व्रत तो नहीं रख रहे हो, मतलब फास्टिंग कर रहे हो, जल्दी भी नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, तुम स्टार्टिंग से देखना क्लास, चलो आगे चलते हैं। बाय द सेम नंबर ऑफ लिमिटिंग वार्मिंग, अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें रखना है, ठीक है, टारगेट अचीव करना है 2 डिग्री सेल्सियस तक, तो कितना करना पड़ेगा, 21% रिडक्शन, डिग्री नहीं 21 डिग्री क्यों बोल रही हूँ मैं, ठीक है समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है तो पहले ही बता दिया करो, ठीक है, बाद में मत बताया करो। अब चलो, स्ट्राइविंग फॉर अ 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट इंप्लाइज डीप एंड इमीडिएट रिडक्शंस इन एमिशंस इन ऑल सेक्टर्स, वो कहते हैं कि भैया अगर 1.5 डिग्री चाहिए तो जल्दी जल्दी से पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ह्यूमैनिटी हैज़ ऑलरेडी कंज्यूम 4/5 ऑफ इट्स टोटल कार्बन बजट ऑफ फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2019। अब ये नोट करने वाला है, ह्यूमैनिटी has already, ये कहाँ से आ जाता है, चलो, already consumed 4/5 of total carbon budget for
1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2019. वो कहते कि हम इतना तो ऑलरेडी खा चुके हैं, ठीक है ना, मतलब कम ही बचा है स्पेस. अब इसके अंदर आगे चलेंगे, द रिपोर्ट हाईलाइट्स अडैप्टेशन. अब वो क्या कह रहे हैं, अडैप्टेशन प्लस मिटिगेशन. रिपोर्ट क्या सजेस्ट करी है, अडैप्टेशन एंड मिटिगेशन. नाउ व्हाट इज अडैप्टेशन एंड मिटिगेशन. अडैप्टेशन तो भैया कहते हैं जो चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए तो आप चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके सॉल्यूशंस निकाल. प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच एन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज बिकम बेटर सूटेड टू इट्स एनवायरनमेंट फॉर का. अब यहाँ मिटिगेशन द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सेवेरिटी सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, ठीक है ना. तो ये वो कहते हैं कि अडैप्टेशन, अडैप्ट करना पड़ेगा, मिटिगेट करनी पड़ेंगी चीज़ें कि कैसे हम सेवेरिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग, लिख लो मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग द सेवेरिटी, सेवेरिटी ऑफ समथिंग. अडैप्टेशन, अडैप्ट करना, ठीक है. अब जैसे मच्छर है इसकी सबसे, ठीक है, एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सिवेरिटी ऑफ समथिंग, ठीक है ना. तो वो एक्शंस लो जिससे कि मिटिगेट हो सके, कम हो सके पॉल्यूशन, ठीक है. और अडाप्टेशन की जो नहीं चेंज हो सकता उसके साथ हम क्या करें कि उससे अडाप्टेशन ईजी हो जाए. अब जैसे कह रहे हैं गर्मी बहुत पड़ेगी, तो वो कह रहे हैं कि घर ऐसे बनाओ कि ठंडा ठंडा कूल कूल लगे अंदर, ठीक है जी. हो गया, ये है इसमें, ये सारी चीज़ें पॉइंटर्स आपको पता होनी चाहिए. चलो आगे चलें, अब बड़े ज़िंदगी में आगे. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वो NPS की, दैट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम की, और ओल्ड पेंशन स्कीम की. ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था जल्दी से बता दो. ओल्ड पेंशन स्कीम में सैलरी कितनी मिलती है, पेंशन कितनी मिलती है, आंसर फटाफट से चाहिए. OPS क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम. पेंशन क्या होती है, जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है, ठीक है ना. और ये बंद हो गई थी, क्यों बंद हो गई थी, क्योंकि इन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम का सिस्टम चला दिया था. ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी जितनी होती थी उसका 50% आपको एज पेंशन देती थी. बट NPS के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, पूरी अपनी गवर्नमेंट जॉब में कंट्रीब्यूट करते हुए जाते थे और तब आपको एंड में कुछ मिलता था, ठीक है ना. अब यहाँ पर राज्यसभा ने क्लियर कर दिया कि देखो नेशनल पेंशन स्कीम, क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय, ठीक है. और वो कॉन्ट्रीब्यूट करके उन्होंने एक कॉर्पस बनाया हुआ है, एक फंड बनाया हुआ है, जो फंड को हैंडल करने के लिए एक एक्ट है, मतलब पूरा लॉ है, ठीक है. और इस लॉ के अंदर, इस एक्ट के अंदर वो कहते हैं कहीं पर भी रिफंड की बात नहीं होती है. मतलब देखो बहुत सारी स्टेट्स कह रही हैं कि हम OPS लेके आएंगे, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाएंगे वापस से, नेशनल पेंशन स्कीम से हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाएंगे. रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने कहा, पंजाब ने कहा, तो राज्यसभा कहती कि जो इम्प्लॉयज ने हमें कॉन्ट्रीब्यूशन दी, ठीक है, वो रिफंड हम नहीं देंगे, ना ही लॉ ऐसी कोई बात कर रहा और ना ही हम ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है. तो तुम सोच के करना. अब यहाँ पे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज ऑन ट्रैक टू रेकन विद, कंसिडर. रेकन का मतलब क्या होता है, कंसिडर, लिख लो रेकन, कंसिडर, ठीक है. अब यहाँ पे कंसिडर चैप्टर, अ डार्क चैप्टर इन हिस्ट्री आफ्टर इज प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़. देखो ये ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर का नाम याद होना चाहिए, ठीक है. मेड अ प्रॉमिस टू ब्रिंग टू इट्स वोटर अ रेफरेंडम. रेफरेंडम क्या होती है, वोटिंग. पूछो अगर मैं तुमसे वोटिंग करवाऊँ, क्लास का टाइम क्या होना चाहिए, अब स्टार्ट मत होना, सुबह ले लो, यही रहेगा, ठीक है. अगर मैं पूछूंगी कब होनी चाहिए और वोट करवाऊँ, और जो जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी उस टाइम पर मैं आऊँ, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, रेफरेंडम, ठीक है. ऐसी कंट्रीज में भी रेफरेंडम होता है किसी भी चीज़ पे, जैसे ब्रिटेन में हुआ था कि हमें यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहना चाहिए या नहीं, ठीक है, लोगों से पूछा गया था, तो लोगों ने कहा कि नहीं हमें यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहना, तो ब्रिटेन वाले बाहर निकल गए यूरोपियन यूनियन से. अब आगे, रेफरेंडम टू कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज अबोरिजिन, अबोरिजिनल एंड टॉर्स स्ट्रेट आइलैंडर पीपल थ्रू गिविंग देम परमानेंट रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट इवन इफ ओनली इन एन एडवाइजरी कैपेसिटी. अब देखो यहाँ पे ये काटने नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अब ये कौन है, अबोरिजिनल, अबोरिजिनल है, मैंने गलत लिख दिया, अबोरिजिनल एंड टॉर्स स्ट्रेट आइलैंडर पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. पढ़ लेते हैं, बहुत ही दुखद कहानी है इनकी. तो इनका जो प्राइम मिनिस्टर वो क्या कह रहा है कि हम इनको
them permanent representation in government even if on advisory capacity ki permanent representation de dete sirf advisory ki advise kar sake theek hai ki ab apni to is a representative indigenous body in the Australian parliament which would provide non binding advice to parliament on policy subjects that impact first nations community wo kya kehte ki hum aisi inki representative indigenous jo wahan ki australia ke log the ye australia ke log hain ye bahut सालों से वहां रहते हैं पर फिर कौन आया यूरोपियन कॉलोनीज ये ब्रिटेन वाले भी वहां गए थे धक्के खाते हुए उन लोगों के साथ बहुत गलत किया उनके बच्चे उनसे छीन लेते थे बिकॉज वो ब्लैक्स थे उनको कहते थे तुम्हें बच्चा पालना नहीं आता उनसे बच्चे ले लेते थे उनके ठीक है और फिर इतना ज्यादा जुल्म किया उन पे देखिए मीनिंग देवर हेयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स प्रायर टू कॉलोनाइजेशन की दूसरी कंट्री आ गई उनसे उनके ऊपर रूल करने के लिए देर आर वेयरिंग एस्टिमेट फॉर हाउ लॉन्ग वो कहते हैं 60 साल से तो पता ही है 60,000 साल से तो पता ही है कि ये है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में ठीक है ओवर इनकारनेशन मतलब इम्प्रिजनमेंट जेल में डाल देते थे इनको फालतू में ठीक है massacres and the jailing of indigenous australians enabled british settlement here from the late 18th century इन्होंने इतना ज्यादा जुल्म किया इनके ऊपर police played a big part in forcing people off their land and right up to 1970s police took part in the removal of huge number of indigenous children from their homes to be adopted by white families or put in institutions the forcible removal of indigenous children from their families indigenous मतलब वहां की community वहां के लोग थे ठीक है was a result of वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी कि उनके बच्चे उनसे छीन लेते क्यों क्योंकि वो ब्लैक थे उनको इंफीरियर समझते थे और वाइट को सुपीरियर ठीक है ये सब कुछ किया इन्होंने तो क्योंकि इन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है ठीक है ना क्योंकि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है तो इसलिए ठीक है ना वर एक मिनट यहाँ पे कोई पॉइंट ले सकते हैं फोर्सेबल रिमूवर ये वो ठीक है अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाला ठीक है ये समझ लिया आपने अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑस्ट्रेलियन पीएम सेज इंडिजीनियस कम्युनिटीज दीज कम्युनिटीज क्या बना देना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव वॉइस एक वॉइस बनाओ वो क्या है वॉइस क्या है रिप्रेजेंटेटिव इंडिजीनियस बॉडी ठीक है ना और इसके पास क्या पावर होगी एडवाइजरी ठीक है एडवाइजरी मतलब क्या कर सकते हैं बॉडी इन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट मुझे समझ नहीं आती ये सारी कंट्रीज कितनी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और इन्होंने कितने पाप किए हैं ठीक है बॉडी इन द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट विच वुड कैन गिव नॉन बाइंडिंग एडवाइस टू पार्लियामेंट ऑन पॉलिसी नॉन बाइंडिंग एडवाइस ऑन पॉलिसी सब्जेक्ट्स that impact first nations community मतलब इनकी जो community है उनको first nations communities भी ये बोलते हैं refer किया जाता है तो वो कह रहे हैं as a representative मकाया he hope is that best interest for indigenous people would be addressed as a social category tend to be over तो ये कहते हैं कि इनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है shorter life expectancy इनके higher rates of infant mortality मतलब बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं poor physical and mental health है तो इसके लिए ये कर रहे हैं समझ में आया या नहीं कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ उसको undone करने के लिए ये चीज़ consider करी जा रही है कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक मिनट यहाँ पे मैं क्वेश्चन देख रही थी ठीक है
ये वाला मैंने समझा दिया तुम्हें। आगे चलेंगे सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है ना। पॉसिबल क्वेश्चन यही हो सकता है कि ये वाली जो चीज़ है कौन क्या पावर दे रहे हैं, एडवाइजरी पावर दे रहे हैं कहाँ पर, पार्लियामेंट में कौन से सब्जेक्ट्स पे, जो सब्जेक्ट्स इनसे रिलेट करें, कम्युनिटी का नाम क्या है, क्या हुआ था इनके साथ, ये पूछ सकते हैं बस। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिस्पर्स्ड अराउंड ₹1645 करोड़ इन परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स। अब क्या है, हमारी सरकार क्या चाहती है कि सेमी कंडक्टर्स जो हैं वो इंडिया में बनने लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा सामान जो है वो इंडिया में बनने लग जाए। तो जो भी कहते हैं मैं बनाऊंगा उसको हमारी सरकार हेल्प करती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो वो बता रहे कि इतनी हेल्प कर चुके हैं। सेमी कंडक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज़ में लगते हैं, इनके अंदर सिलिकॉन का यूज़ होता है। और जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स होते हैं, मतलब जो सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं कंपनीज, उनको क्या कहते हैं, फैब्स, ठीक है। अब कोई कहेगा ना तुमसे, पूछे हाउ आर यू लुकिंग, क्या ना फैब्स, वह पागल कुत्ते ने काट लिया इसको, इतनी अंग्रेजी, बाय गॉड, एक ही दिन में माइक्रोचिप, हम माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है जी। चलो अब आगे चलेंगे, तो यही सारी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं देख लेती हूँ इन्होंने, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो हमें आधा आधा पूरा ज्ञान दे, ये दे रहे हैं चिप्स, चिप्स एक्ट किसने, कि आलू के चिप्स खाने को मिल गए, मैजिक मसाला फ्री ऑफ कॉस्ट, चिप्स एक्ट किसने पास किया, US पास्ड, क्यों, सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वहाँ पर, ठीक है ना, चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए। फाउंड्री कंपनीज कौन सी होती है, टर्न सिलिकॉन इनटू सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो फाउंड्री कंपनीज कौन सी होती हैं, टर्न सिलिकॉन इनटू सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट किया जाता है, तो सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। अ लार्ज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया हैज़ एडवांटेज, इंडिया की बहुत एडवांटेज, ऑब्वियसली वो कहते हैं इंडिया की बहुत एडवांटेज है क्योंकि इंटेलेक्चुअल यूज़ होता है दिमाग, और वो इंडियन का बहुत ज़्यादा है, अपनी तारीफ करने लग जाते हैं ये, मैं क्या करूँ अब बताओ। कैंपा, तुम बताए कैंपा कोला आता था पहले, अब पता नहीं आता या नहीं आता, कैंपा कोला आता था, मूवी देखने जाते थे तो मम्मी पापा दिला देते थे एक एक कैंपा कोला, बस इसीलिए जाते थे मूवी देखने, क्योंकि अगर मूवी नहीं देखोगे तो कैंपा कोला भी नहीं मिलेगा, बताओ ऐसी हालत थी हमारी। अ रिपोर्ट रिलीज ऑन March 20 दैट, और अब ये दोबारा IPCC वाला ही बता रहा है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि भाई क्या फाइंडिंग, दैट स्पीक्स टू एन इंक्रीजिंग कंटेस्ट पॉलिसी इन इंडिया दैट हैज़ अलाउड फॉरेस्ट इन वन पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, हाँ, कैंपा, कैंपा की फुल फॉर्म कहाँ पे है, कैंपा इज कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, तो ठीक है, कैंपा ऑफ इंडिया, ठीक है, कैंपा की फुल फॉर्म कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, एफॉरेस्टेशन का मतलब ग्रोइंग ट्रीज, ठीक है। कॉम्पनसेटरी, कॉम्पनसेट कर रहे हैं, अब कैसे कॉम्पनसेट कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पनसेट ये ऐसे करते हैं, अ बॉडी चेयर्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है, कैंपा चेयर्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं ये, द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट दैट, अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट था, यहाँ पे पेड़ उगे हुए थे, ठीक है, बहुत सारे पेड़ उगे हुए थे, अब इस ज़मीन पे इन्होंने कुछ और बना दिया, मान लो फैक्ट्रीज बना दी, ठीक है। अब क्या हुआ, फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये फॉरेस्ट लैंड ख़त्म किया, ये इसको ये में किया, तो अब यहाँ पे कुछ लैंड होगा कहीं पर भी, डाइवर्ट द लैंड मस्ट एनेबल, ठीक है, नाउ नाउ विल आइडेंटिफाई लैंड एल्सवेयर टू ए फॉरेस्ट, मतलब
अब कहीं पे लैंड ढूंढेंगे, या तो जहाँ पे कुछ भी ना हो, जो लैंड चिल मार रहा हो, मतलब कुछ भी नहीं है, या वहाँ पे कुछ हो, मतलब ऐसी बेकार बड़ा है, ठीक है ना, उस लैंड के ऊपर ये पेड़ पौधे उगा देंगे, ठीक है, मतलब इसके वाला कॉम्पनसेशन यहाँ पे, तो इसको बोल रहे हैं कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, ठीक है ना, तो ये करवाते हैं कैंपा के अंदर, ठीक है। तो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन का एग्जांपल दे सकता है अंडमान निकोबार के अंदर, जो वो कह रहे हैं कि हम पेड़ पौधे काटेंगे, उसकी कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन कहाँ पे हो रही है, समझ में आया या नहीं, ठीक है, कहाँ पर हो रही है उसकी एफॉरेस्टेशन, अभी बताया था मैंने, ठीक है। तो ये है कैंपा, अब ये क्यों आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार जो ऑलरेडी है उसको रिमूव करके कहीं और लगा रहे हैं दूर दराज, वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये है कैंपा, ठीक है, समझ में आ गया, कैंपा ऑफ इंडिया। अब चलो आगे चलते हैं, एमिड रकस वहाँ पे पूरा चल रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर बजट इन्होंने कर दिया पास, जो भी करना था, नोट कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे एमपी एंड हरियाणा इज द आंसर, आधे लोग हरियाणा लिख रहे हैं, आधे लोग एमपी लिख रहे हैं, इकट्ठे भी पर अटेम्प्ट करके आओगे वहाँ पर, हाँ क्यों नहीं आ दोनों चीज़ें, हाँ रिवाइज नहीं करते हो नोट्स, कर लो नोट्स, पछताओगे फिर बाद में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन थर्सडे सेड द गवर्नमेंट वॉज सिक्योरिंग द नॉलेज इन इंडियाज एंशियंट स्क्रिप्चर्स इनॉग्रेटिंग द वैदिक हेरिटेज पोर्टल, कौन सा पोर्टल है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल, पोर्टल मतलब वेबसाइट, क्यों कर रहे हैं इसको, क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ठीक है, क्रिएटेड बाय इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ठीक है, IGNCA। अब नेक्स्ट इज मिस्टर शाह सेड दैट विद द हेल्प ऑफ दिस द यंगर जनरेशन वुड बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड द नॉलेज एंड ट्रेडिशन ऑफ द वेदास एंड द उपनिषद। द IGNCA कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, IGNCA कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तहजीब, ट्रेडिशन, थर्ड, ठीक है। अब क्या है इसमें, क्या करेंगे, क्यों लेकर आ रहे, पर्पस क्या है इसका, पर्पस क्या है, पहले नीचे देखते हैं, ढंग का पर्पस नीचे लिखा है ऊपर, द पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कॉमन यूज एंड रिसर्चर सीकिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैदिक हेरिटेज, इट गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरल ट्रेडिशंस, ब्लाह ब्लाह ब्लाह, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे पर्पस इज हेल्प यंगर जनरेशन टू कैरी फॉरवर्ड नॉलेज ऑफ किसका, वेदास एंड उपनिषद्स, समझ आ गई, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ये पोर्टल वोटल का क्वेश्चन आ जाता है, चलो आगे चलें। अब यहाँ पे तो ये डेफेमेशन का केस के बारे में और डिटेल में बात कर रहे हैं, अभी हमें इतना पता वो नहीं, पेटेंट वाले के बारे में बात कर रहे हैं, चलो चलो आगे चलें। अब यहाँ पे ये डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर 2018 में एक लोक पराही केस के बारे में, विच सेड एन अपील इफ द कन्विक्शन इज सस्पेंडेड देन द डिस्क्वालिफिकेशन विल आल्सो रिमेन सस्पेंडेड, इसका मतलब क्या है कहने का, जो राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया, राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई कर दिया एज एन MP, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं 2018 के अंदर एक जजमेंट आई थी जिसका नाम क्या है, लोक प्रहारी, ठीक है, लोक प्रहारी, ठीक है, 2018 के अंदर लोक प्रहारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर क्या कहती है, इफ कन्विक्शन सस्पेंडेड देन डिस्क्वालिफिकेशन विल आल्सो रिमेन सस्पेंडेड, ठीक है। अब देखो राहुल गांधी के साथ क्या होता है, भाई देख कर बोला करो, अच्छी वाली गद्दी मिली हुई थी, क्यों छोड़ रहे हो, लोग तो तरसते हैं इसको, क्यों गलत बोला ऐसी। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं नमस्ते के बारे में, ठीक है, नमस्ते बोलो, नमस्ते, नमस्ते क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये हमने बजट वाले उसमें किया था फेब के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने तुम्हें नमस्ते करना सिखाया था, ठीक है। नमस्ते, ये पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं हुई तनुश्री, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हुआ,
ठीक है, और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एग्जाम के बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, क्लैट तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्लैट तो आप हर चीज़ पढ़कर जाओगे, बट दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, जो हमने राहुल गांधी वाला इशू किया, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल इशू था जब उन्होंने यात्रा निकाली, इट वॉज पॉलिटिकल इशू, ठीक है, उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा ज्ञान लिया कि हाँ भाई कहाँ से कहाँ तक निकाली, किस पार्टी ने निकाली, एंड वी मूव्ड ऑन, बट ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। चलो नेशनल, नमस्ते क्या है, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो। देखो यार क्या होता था पहले, जो सीवरेज होता था, मतलब जो हमारा सुसु पॉटी वाला पानी होता था, उसके अंदर इंसान लोग जाते थे, उसको साफ करते थे, ठीक है, कुछ फंस गया है, कुछ भी है, अब क्या ये गलत है, ऑब्वियसली डेथ भी होती थी, बिकॉज सोचो ना कितनी गैस और वो बनती है, तो अब इन्होंने क्या बोल दिया, वो बहुत पहले बैन हो गया था, बट करना तो पड़ेगा, कौन करेगा, ठीक है, तो वो कहते हैं मशीन करेगी, इंसान नहीं करेंगे, तो क्या लिखा है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड रोबोट भैया करेंगे, ठीक है ना, सैनिटेशन इको सिस्टम, ठीक है ना, तो ये है, इसमें क्या करेंगे कि कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है ऐसी मशीनों में, उनकी हेल्प करी जाएगी। गवर्नमेंट टू सेट अप अ टाइमलाइन फॉर एन्यूमरेटिंग द वर्कर्स, ठीक है, तो ये हमें नमस्ते याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे, अब यहाँ पे एक और स्कीम के बारे में बात करा हुआ है यार, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा चल रही है तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, यशस्वी स्कीम प्रोवाइड्स प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, प्रोवाइड्स प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बेनिफिट्स टू OBCs, extremely backward classes and denotified tribes, ठीक है, तो बस ये ही हमें पता हो चाहिए स्कीम के बारे में, कितना पैसा दिया, क्या ये दिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वारिस ने पंजाब के हेड कौन है जो प्रो खालिस्तानी एजेंडा लेकर आने के, हमें सेपरेट नेशन चाहिए, अमृतपाल सिंह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इन्होंने कोई बर्ड बोर्ड ठीक किया है, स्टेट बर्ड ऑफ यूपी, कौन सा बर्ड है ये, कांगई क्रेन, सरुस क्रेन, ठीक है, यूपी वालों तुम्हें पता था कि तुम्हारी स्टेट बर्ड भी है, ये है तुम्हारी स्टेट बर्ड, पता था तुम्हें, ये नहीं, नो, ये तुम्हारा लीडर है, ये है, ठीक है, ये चलो अब आगे चलेंगे, अब आगे वर्ल्ड न्यूज़, अब हमारे पास 7-8 मिनट है, बढ़िया से वर्ल्ड न्यूज़ पे लगाएंगे, ठीक है ना, और फिर हम टाटा बाय बाय कहकर अपने अपने घरों को चलेंगे। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले, ताइवान रिकॉल्ड ऑन थर्सडे इट्स एम्बेसडर टू होंडुरस, टेकुसिगाल्पास फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना, ठीक है, इस कंट्री के मिनिस्टर ने चाइना को विजिट करी, तो ताइवान कहता आ जाओ वापस, हमें इनके साथ कुछ रिश्ता नहीं रखना है, ठीक है ना। तो अब ताइवान और चाइना के इतना क्यों पसंद ना पसंद करते हैं ताइवान और चाइना, अब मेरे पास टाइम है तो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाई देती हूँ। एक ज़माना था, ठीक है, मान लो ये चाइना है, ठीक है, चाइना था, तो ताइवान के लोग यहाँ रहते थे चाइना में, ठीक है। अब जो एक्चुअल जो चाइना में अब रहते हैं, अब वाले चाइनीज लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, अब वाले जो चाइनीज हैं उन्होंने एक दिन अटैक कर दिया ताइवान वालों पर जो तब चाइना में रहते थे, ठीक है, तो ये भग गए यहाँ से और ताइवान में जाके बैठ गए, और अब वाले चाइनीज चाइना पे रूल करने लग गए। तो अब चाइना वाले कहते ताइवान भी हमारा है, ताइवान वाले कहते नहीं हम तुम्हारे नहीं है और ना ही तुम हमारे हो, ठीक है ना। तो ताइवान और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती है, चाइना कहता है ताइवान हमारा है, हमारी स्टेट है, हमारे अंदर आता है, ताइवान कहता है मैं एक सेपरेट नेशन हूँ, ठीक है ना। तो जो भी चाइना के साथ ज़्यादा रिलेशन रखता है ताइवान उसको पसंद नहीं करता, और जो ताइवान के साथ ज़्यादा रिलेशन रखता है चाइना उसको पसंद नहीं करता, ठीक है। टिकटॉक CEO शू ज़ी च्यू विल फाइट फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज कंपनी इन द US एज ही फेसेस लॉ मेकर्स ओवर द फर्म्स अलेज्ड टाइज टू द चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी चाइनीज़ ऐप्स और सब कुछ हैं उसमें कहा जाता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं, चाइना वालों को, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो टिकटॉक के थ्रू, अब तुम कहोगे यार टिकटॉक के थ्रू क्या कि इसने ये गाना इस मिनट पे गाया, नहीं, फ़ोन के अंदर घुस जाते हैं, सारा डाटा निकाल के चाइना को दे देते हैं, ठीक है। तभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि USA, UK और EU ने बैन कर दिया कि जो
ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, वो अपने फ़ोन में टिकटॉक नहीं रख सकते अपने ऑफिशियल फ़ोन में, ठीक है। तो कौन सी कंपनी के ऊपर ये एलिगेशन है? टिकटॉक क्या है? चाइनीज एप्लीकेशन, ये पता नहीं क्यों नोट आ जाता है हर मिनट बाद, एप्लीकेशन। और इसके CEO कौन है? अब इसका नाम भी अजीब सा है, शू जी च्यू, ठीक है ना, जी नाम का एक डॉगी था, उसने शू चू कर दिया तुम्हारा, ठीक है। अब और कैसे याद कराऊँ इसको, पता चल गया ना मैंने इसको ऐसा है नाम बताया, भाई गॉड मुझे पकड़ लेगा ये, मेरा टिकटॉक बना देगा, ठीक है। अब ये क्या एलिगेशन है उसके ऊपर? एलिगेशंस बाय US दैट कंपनी शेयर्स डाटा विद चाइनीज गवर्नमेंट, कर सकती है चाइना वाले कुछ भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, टर्की ने अप्रूव बिल रेटिफाइंग फिनलैंड बिड टू जॉइन, अब ये नोट करना है और इसको हम बढ़िया हाईलाइट करके नोट करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो येलो येलो डर्टी फेलो, चलो टर्कीज पार्लियामेंट रेटिफाइड, मतलब अप्रूव्ड रेटिफाइड फिनलैंड्स बिड टू जॉइन नाटो, ठीक है। मतलब फिनलैंड जो है वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है, टर्की ने जो है उसको रेटिफाई कर दिया। अब तुम कहोगे ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि टर्की जो था पहले कहता था मैं नहीं बनने दूंगा, ठीक है, तुम जो मर्जी कर लो, नहीं बनने दूंगा इसको मेंबर, ठीक है। बट अब ये अब फिनलैंड वालों ने इसको, इसके साथ थोड़ा बातचीत करी, थोड़ा एडजस्ट किया, टर्की कहता ठीक है। अब एक और कंट्री जो बनना चाहती है मेंबर, वो कौन है? स्वीडन, ठीक है ना। स्वीडन ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है। बट स्वीडन और इसके रिलेशन बहुत ही बेकार हैं, ठीक है। तो अब देखो स्वीडन का अप्रूव करते हैं या नहीं, फिनलैंड का तो अप्रूव कर दिया, कन्फ्यूज़ मत हो जाना स्वीडन और फिनलैंड में। चलो आगे, अब UK में जो हमारी एम्बेसी है इंडिया की, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गए थे, इंडिया वालों ने क्या किया, इनकी जो दिल्ली में एम्बेसी थी ना UK वालों की, वहाँ से सिक्योरिटी रिमूव कर दी, ऐसा बोला जा रहा है। फिर इन्होंने भी सिक्योरिटी वहाँ पर लगा दी, मतलब क्या है। इसराइल पासिस लॉ प्रोटेक्टिंग नेताहू एमिड प्रोटेस्ट, ठीक है, इसराइली लॉ, इसराइली लॉ, मतलब इसराइल का लॉ, क्या लॉ है? अप्रूव्ड लेजिस्लेशन दैट वुड प्रोटेक्ट द इसराइली लीडर फ्रॉम बीइंग डीम्ड अनफिट टू रूल बिकॉज ऑफ हिज करप्शन ट्रायल एंड क्लेम्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सराउंडिंग हिज इन्वॉल्वमेंट इन लीगल चेंजेस, ठीक है। कैन नॉट, ये पूरा लिख देते हैं, अप्रूव्ड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, लॉ अप्रूव किया, अप्रूव्ड लेजिस्लेशन, अप्रूव्ड लेजिस्लेशन दैट वुड प्रोटेक्ट, दैट वुड, एक मिनट, दैट वुड प्रोटेक्ट, देखो दैट वुड प्रोटेक्ट द इजरायली लीडर फ्रॉम बीइंग डीम्ड अनफिट to rule because of his corruption trial and claims of a conflict of interest surrounding his involvement इन द लीगल चेंजेस। अब पूरा क्यों लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ पास किया है जिसके अंदर अगर उनका जो लीडर है वो करप्शन ट्रायल के अंदर फंस गया है या फिर कोई लॉ उसने ऐसा बना दिया जिससे कुछ इन्वॉल्वमेंट है उसकी लीगल चेंजेस में, तो वो उसको रिमूव नहीं कर सकते इसराइल, ठीक है। बस यही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
चलो आगे चले. विजिटर्स ऑन टूरिस्ट बिजनेस टूरिस्ट कॉमा बिजनेस वीजाज कैन अप्लाई फॉर जॉब्स इन यूएस. ठीक है. इन रमज़ान कॉल सऊदी एंड ईरान ऑफिशियल्स वाउ टू मीट. क्योंकि सऊदी और ईरान क्या बन गए, वी आर बेस्टेस्ट फ्रेंड्स. किसने बनाए, चाइना ने. याद है या नहीं है. जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल मे बी हेडेड बाय फॉर्मर एससी जज. अभी जब बन जाएंगे इसके कोई भी तब हम याद कर लेंगे. अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात कह दी इन्होंने अपने हाथ ऐसे स्टाइल में करते हुए ना, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात. अब इसके मतलब इसको पीछे पड़ जाएंगे लोग. बता रही हूँ मैं तुम्हें, पहले बता रही हूँ. सॉरी फॉर द बब. ट्रांसजेंडर वुमेन विल नो लॉन्गर बी अलाउड टू कम्पीट इन फीमेल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन. वर्ल्ड एथलेटिक्स प्रेजिडेंट सेबास्टियन को सेड ऑन थर्सडे. ठीक है. तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लिखो इसको, ट्रांसजेंडर वुमेन विल नो लॉन्गर बी अलाउड टू कंपीट इन फीमेल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स. ठीक है. किसने बोला, सेज वर्ल्ड एथलेटिक्स प्रेसिडेंट सेबास्टियन को. ठीक है. क्यों, रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल्स ऑफ टेस्ट टोस्टरॉन. ठीक है ना. वो कहते हैं कि अगर कम भी है, मतलब ये मेल बेसिकली हार्मोन है, मतलब अगर उसमें कहा जाता है कि मेल्स में ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो कहते हैं कि द डोपिंग बैन ऑन रशिया वॉज ऑल्सो लिफ्टेड. एक और काम किया, डोपिंग बैन. डोपिंग क्या होता है कि जो ड्रग्स देते हैं ताकि परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी हो. ठीक है. एथलीट्स को देते हैं ताकि वो बस दौड़ते चले जाएँ. डोपिंग बैन लगा हुआ था ऑन रशिया लिफ्टेड. ठीक है. ऑल दो इट्स एटलीस्ट रिमेन बार्ड फ्रॉम कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ, ठीक है, रशियाज एथलीट्स बार्ड फ्रॉम, मतलब स्टॉप्ड, नॉट अलाउड, बार्ड फ्रॉम कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ मॉस्कोस, बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर. ठीक है. कहते तुम लड़ाई लड़ रहे हो, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे. नॉट अलाउड. तो गाइज आप कमेंट कर सकते हो हमारी सपोर्ट में. ठीक है. हमारी सपोर्ट में कमेंट कर दो यार, क्या जाएगा तुम्हारा. ठीक है. और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हमारे बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, हमारी तारीफ़ करना अगर तुम्हें सच में लगता है कि हाँ यार हम मतलब डिज़र्व करते हैं. बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है जितने आप डिज़र्व करते हो. तो वो व्यूज़ आप ही हमें दे सकते हो. कैसे, आप तो वीडियो एक ही बार देखोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना बार बार देखकर, बट आप लोगों को बता सकते हो हमारे बारे में. ठीक है. www.loggery.in पर जा सकते हो. MHCET 5 ईयर और 3 ईयर के लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट खरीद सकते हो. ₹2000 में आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. ऑनलाइन मोड में आपके पेपर्स जो है अटेम्प्ट कर पाओगे. बिल्कुल वही फील दी गई है यहाँ पर. ठीक है. और MHCET का 6th मॉक जो है वो लाइव हो गया है 5 ईयर का, और आज 2nd मॉक में लाइव कर दूंगी 3 ईयर का, काम कर रही हूँ उसके ऊपर. और 3 ईयर के अंदर अभी 2500 का मिल रहा है आपको. इसके ऊपर आप लॉगरी 500 कोड लगाएंगे तो 2000 में मिल जाएगा. करंट अफेयर्स मंथली जो है ₹200 पर मंथ में आपको जनवरी का अवेलेबल करवाया गया, वो आप चेकआउट कर सकते हैं. हैंड रिटन करंट अफेयर्स नोट जिसके अंदर आपको द हिंदू प्लस एक्स्ट्रा इन्फो का PDF ये सब कुछ मिल जाता है जस्ट फॉर ₹100 पर मंथ, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट दैट यू कैन गिव अस, बिकॉज इससे क्या है हम अपना चैनल का खर्चा जो है वो निकाल सकते हैं. राइट. सो दैट्स इट. एंड जो वो टेबल है वो कल मैं टेबल बना लाऊंगी और फिर हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसके ऊपर अभी ऐसी टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है उनमें कुछ समझने वाला नहीं है. पक्का प्रॉमिस, कल मैं टेबल बना लाऊंगी, तुम कॉपी कर लेना. ठीक है. ओके बाय, टेक केयर. मिलेंगे कल. कब, 6 PM पे. और अभी क्या करना है, कॉमेंट करना है सबने. क्या करना है, कॉमेंट डाउन बिलो. ठीक है. टेल अस व्हाई डू यू लव अस, बिकॉज आई नो यू लव अस. ओके बाय, टेक केयर. अच्छा एक एडिटोरियल रह गया फ्रीडम सर्कल का, हाँ शायद. चलो 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 चलो, ख़त्म नहीं हुई क्लास. मैं भी कहूँ इतनी जल्दी कैसे आज़ाद हो गए.
हाँ अब फ्रीडम स्ट्रगल, अरे यार ये रह गया, चलो चलो लिखें। मार्च 23 इज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। इट वाज ऑन दिस डे इन 1919 महात्मा गांधी वाज इन चेन्नई ऑन द इनविटेशन ऑफ कस्तूरी रंगा अय्यंगार। गांधी जी हैज हीथ्रो बीन स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ वे टू काउंटर द ड्रकोनियन एंड रिसेंटली इनएक्टेड रॉलेट एक्ट बाय द ब्रिटिश। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट क्या करता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो था ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, जिसके अंदर ठीक है पनिशमेंट ऑफ कन्फाइनमेंट विदाउट ट्रायल, ठीक है, मतलब ट्रायल भी नहीं करते थे, ट्रायल मतलब देखते भी नहीं थे कि क्या कुछ गलत किया या नहीं, सीधा पनिश कर सकते थे, ये पावर मिली उनको रॉलेट एक्ट से, ठीक है। इट वॉज इन अर्ली आज द डे ही ड्रेम्ट द आइडिया ऑफ मास हड़ताल टू काउंटर द एक्ट। द सत्याग्रह ऑफ April 6, 1919 was an act of defiance that brought the nation to stand still and shoot the, ठीक है ना। तो 1919 के अंदर उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया, मतलब इसके अगेंस्ट, और नेशन को स्टिल पे ले आए, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर जो ऑदर है वो बोल रहे हैं कि नो डाउट गांधी जी ने बहुत कुछ किया, बट देर आर अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस ऑल्सो। हु आर अनसंग हीरोज? अनसंग वो कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के थ्रू 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रीडम हम मना रहे हैं, और इसके अंदर हमने अनसंग हीरोज को सेलिब्रेट किया। अनसंग हीरोज कौन है? जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। इन द अर्ली 20th century इट पिटेड। अब यहाँ पे क्या है कि लोग पहले जो थे भगत सिंह, ठीक है, बिरसा मुंडा, वंचीनाथन सेक्रीफाइस, वो कहते वो अपनी ज़िंदगी उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए अपनी ज़िंदगी खो दी, और इनके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे थे, बट अब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम गोपाल कृष्ण गोखले, बी आर अम्बेडकर, हु सर्वड इन द सिस्टम, ब्रिटिश वायसराय एग्जीक्यूटिव की सर्व किया, वर प्रोबेबली नेवर इम्प्रिजन, बट दिस इन नो मेजर डायल्यूट्स और इवन डिमिनिशेस देयर पैट्रियोटिज्म, देयर लव फॉर द कंट्री, देयर हेल्प, देयर गिव, मतलब उन्होंने बहुत हेल्प करी। वो कहते हैं सिर्फ गांधी जी नहीं है जिन्होंने इंडिया इंडिया बनाया, ऑदर ये कह रहे हैं, बट देयर आर अदर फ्रीडम फाइटर्स हु नीड टू बी टॉक्ड अबाउट, ठीक है। फिर उन्होंने बोला वी डी सावरकर, ठीक है, हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चनेबल पर्सन, जिसको लोग क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं उन्होंने भी बहुत कुछ किया फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैम, ठीक है। तो ये सारा इसके बारे में है। ओके बाय गाइज, बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।